नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हाई फाई एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ 51 क्वेश्चन। ये रेलवे में बहुत ही प्रैक्टिस सेट जो है, ये रेलवे का ही प्रैक्टिस सेट है, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें मैं GS के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया में रसायन काम में लेते हैं, जो हमारा रसायन होता है हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रैग व क्लर्क 63 निम्नलिखित में किस फसल की किस्में हैं? तो ये हमारी सोयाबीन की फसल की किस्में हो जाती हैं। तो RDX क्या है? जो RDX होता है ये हमारा एक विस्फोटक होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नायलॉन क्या है? जो नायलॉन होता है हमारा पॉलीमाइड हो जाता है। तो आज इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक होता है? जो बैकेलाइट होता है वो हमारा अणुसंकरित बहुलक होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजीन की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? वो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो सी वाला, कैक्यूले ने प्रस्तुत की थी। जो इसमें आंसर होगा वो सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका अवक्षेपण पीला होता है? तो इसमें जो नाइट्रोबेंजीन दिया गया है और जो आयोडोफॉर्म दिया गया और पिक्रिक अम्ल, इन तीनों का जो कलर होता है हमारा पीला होता है। तो अतः आंसर जो होगा डी वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा विलेय होते हैं, जो वसा में विलेय होते हैं हमारा होता है ईथर। इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है, मतलब वंशज को सुनिश्चित करती है, मतलब वंशज मतलब हमारे पूर्वज किससे पहचाने जाएंगे? तो वो हमारे DNA फिंगरप्रिंट्स से पहचाने जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व निम्न अंतिम रूप से परिवर्तित करते हैं? तो उसमें सभी जो भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो हमारे सीसा को परिवर्तित करते हैं अंतिम रूप में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं जो परमाणु के नाभिक में होते हैं जो हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी कण होता है? जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा अस्थायी कण होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 प्रोटॉन की भेदन क्षमता होती है, जो प्रोटॉन की भेदन क्षमता होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन से कम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चैडविक ने किसकी खोज की थी? जो चैडविक ने खोज की थी वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। गैसों के मिलने पर सामान्यता होता है, जो गैसों के मिलने पर होता है वो हमारा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह जली विलयन जिसका pH 0 है वह होता है, वो हमारा होता है अम्ली विलयन। तो इसका ऑप्शन वाला बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, pH के बारे में आपको बता देते हैं। pH होता है pH कम करने वाला अम्ली घोल उच्च pH मान का वाले दूसरे घोल के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होता है। 2 pH वाला एक घोल 5 pH वाले घोल के मुकाबले शक्तिशाली होता है, जबकि उच्च pH वाला क्षारीय घोल होता है वो pH 10 वाले घोल से अधिक शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन था, बहुत अधिक अम्ली घोल का pH मान होता है वो हमारा शून्य हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही लिखी गई, बहुत अधिक जिसका अम्ली घोल का pH मान होता है, जो सबसे ज़्यादा अम्ली मतलब होगा हमारा शून्य उसका मान होता है, शून्य से कम हो सकता है, और बहुत अधिक क्षारीय घोल का pH मान 14 से अधिक हो जाता है। तो यही इसमें मैं आपको बताने वाला था। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शिशु का लिंग निर्धारण होता है, जो शिशु का लिंग निर्धारित होता है वो मादा होता है पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा। मानव शरीर में वक्र किस तंत्र का भाग होता है? जो वक्र होता है वो हमारा उत्सर्जन का भाग होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कशीस का तेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कशीस का तेल बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसे ऑयल ऑफ विट्राल भी बोलते हैं तथा इसे हम सन सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं तथा इसे तेजाब भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्लैश बल्बों में निम्नलिखित के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो इसमें हमारा नाइट्रोजन के वायुमंडल में इसका तार रखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआं, जो धुआं होता है वो हमारा ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण होता है। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। जो उत्प्रेरक होता है वो हमारा होता है समांग उत्प्रेरक, अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह होता है वह बुझ जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्रोपीन औषधि प्राप्त होती है, जो एट्रोपीन औषधि होती है हमारी वनस्पतियों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाने वाली जो पाई जाती है गैस कौन सी होती है, वो हमारी होती है मीथेन, जिसका फार्मूला CH4 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर एल्कोहल है, पावर एल्कोहल होता है जो ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल होता है, तो इसमें पावर एल्कोहल होता है वो हम मतलब ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 यूरिया दृष्टि से चीनी, जो रासायनिक दृष्टि से चीनी है, जो रासायनिक दृष्टि से चीनी होती है वो हमारी होती है सुक्रोज। तो अब इसमें जो मिलान करना है, तो जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप है, जबकि संगमरमर जो होता है वो हमारा कैल्शियम का अपरूप है, जबकि जो होती है वो सिलिकॉन का, जबकि जो ये रूबी दिया गया है ये एल्युमिनियम का नहीं है, ये हमारा रूबीडियम का प्रतीक होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में मुख्यता होती है, जो बायोगैस में मुख्यता होती है वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अगला का देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकन हेतु प्रयोग किया जाता है, वो हमारा होता है इथफान यानी इथिलीन गैस का यूज, हम एथिलीन गैस का यूज फल पकाने में करते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, वो हमारा बनता है पोटेशियम साइनाइड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है राइजोनियम जैपोनिकम होता है, अतः ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरण पायरोमीटर में किसका तापक्रम नापा जाता है यानी उसे हमारा नापा जाता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान विकिरण पायरोमीटर से नापा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है, हमारे विकिरण न्यूनतम करने के लिए विकिरण द्वारा जो ऊष्मा आती है उसको न्यूनतम करने के लिए हम जो ये थर्मस फ्लास्क की कलाई कर देते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री के डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, जो उसमें हमारी ग्रेनाइट की अधिकतम होती है। अब ये जो हमारा 84 नंबर क्वेश्चन बन जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय होता है, जो पूर्ण ग्रहण जो अधिकतम समय होता है वो हमारा होता है 460 सेकेंड। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, वो हमारा होता है प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है, जो आवेश रहित कण होता है वो हमारा होता है न्यूट्रॉन। क्यूरी किसकी इकाई होती है, जो क्यूरी होती है वो इकाई होती है रेडियो धर्मिता की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, वो हमारी होती है 3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंध पाए जाते हैं, बंधन होता है वो हमारा होता है NaBr सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस तत्व की अपनी सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, वो हमारी होती है फ्लोरीन की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 उदासीन जल का पीएच मान होता है, वो हमारा होता है 7। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो अणु भार होगा, जो अणु भार बराबर होता है 2 × वाष्प घनत्व, अतः जो इसका अवसर हो जाएगा 14 × 28 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया हाइबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के निरोधक का कार्य करता है, जो होता है वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है,
और ये जो क्वेश्चन दिया गया किस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यदि ये दिया गया एवं अणु भार इतना दिया गया तो उसका अणु सूत्र बनेगा वो हमारा बनता है C2H4O2। ये क्वेश्चन है, ये इंटर में सवाल दिया गया है, वो की केमिस्ट्री में जो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैं नहीं इसमें डिस्कस कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा इसका। तो फलों का अध्ययन कहलाता है, जो फलों का अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। HIV संबंधित है, जो HIV होता है वो हमारा वायरस होता है। आलू के खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। कुनैन किससे प्राप्त होता है, जो कुनैन होता है वो सुनकेना से प्राप्त होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल आधारित लवक में से कौन से धातु आयन पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित होता है, जो अग्नि निर्जा रोग होता है वो हमारा होता है जो संबंधित होता है वो। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ए वाला राइट हो जाएगा, सेम में होता है अग्नि निर्जा। तो दोस्तों इसमें मैंने 51 क्वेश्चन डिस्कस की थी, तो इसमें आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों थैंक यू।